रीवा में पुलिस ने जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रबंध समिति इंतजामिया कमेटी वक्फ के अध्यक्ष अनस अब्बासी ने इरफान खान पर 5,00,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। अनस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पद से हटाने के एवज में इरफान ने 5,00,000 रुपए मांगे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद मंगलवार को आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायत सत्यापन किया गया और उनके द्वारा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष द्वारा फिर 1,00,000 रुपए की अंतिम डिमांड की गई कि मैं मैनेज कर लूंगा, 1,00,000 रुपए आप दीजिए। उस आधार पर आज 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ने रंगे हाथों